हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5th मैग्नेटिज्म एंड मैटर क्लास 12 फिजिक्स के एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस मैं आपको करवाने वाला हूँ, जो सिलेबस से कट चुका उन क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे, बाकी क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। और मैं बता दूं इससे पहले के एक से लेके चार चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के और एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल ऑलरेडी अपलोडेड है, और इवन उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपलोडेड है। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में टेलीग्राम चैनल है सुनील जागरा सर के नाम से, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और आज करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे चैप्टर नंबर 5th के। तो मैंने पहले बोला कि जो अकॉर्डिंग टू रिड्यूस्ड सिलेबस है उनको मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो अकॉर्डिंग टू रिड्यूस्ड सिलेबस आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है भाई 5.6 सॉल्व एग्जांपल, ठीक है, 5.6 जो कि हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे हम करते हैं, आपके पास स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि आपको यहाँ पे इमेजेस दी हुई हैं ए बी सी डी ई एफ और जी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे बताया हुआ जो डार्क लाइन है वो मैग्नेटिक फील्ड की जो है डायरेक्शन शो करती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि भाई इनमें जो इमेजेस दिए हुए हैं इनमें क्या क्या प्रॉब्लम है, कौन सी गलत है कौन सी सही है, ठीक है। तो फर्स्ट इमेज की बात करते हैं, देखिए फर्स्ट इमेज जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है इसमें जो फील्ड है वो हर एक डायरेक्शन में जा रहा है, हर एक डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है, मतलब कि नॉर्थ से फील्ड चलेगा साउथ में जाएगा, ठीक है, ऐसे नॉर्थ से साउथ में जाएगा, ऐसे सॉरी अंदर नहीं, मैग्नेट है ये, नॉर्थ से फील्ड कहां जाएगा भैया, साउथ में जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नॉर्थ से कहां जाएगा, साउथ में जाएगा, अंदर जाता है कहां पे, साउथ से नॉर्थ, ऐसे होता है। बट यहां पे क्या है, एक ही पॉइंट से फील्ड लाइन्स दिखा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो ये क्या है, रॉन्ग है। तो एक आंसर आप लिखोगे रॉन्ग, ये क्या है, गलत है भैया, ठीक है। बी पॉइंट पे आ जाते हैं, बी पॉइंट यहां पे आपको क्रॉस लाइनें शो की हुई हैं इस तरह से कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन गेट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ करिए, दो डायरेक्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये भी क्या है आपकी, रॉन्ग होने वाली है, ठीक है। तो ये भी क्या है भैया, आपकी इमेज रॉन्ग है, ये भी क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट सी की बात करते हैं, सी में आपको एक सोलेनोइड टाइप दिया हुआ है, और इसमें ऊपर जो ये डॉटेड लाइन है ये आपकी वाइंडिंग दिखाई हुई है, और इसमें जो डार्क लाइन है, स्पेशल क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो डार्क लाइन है वो है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है। ये टोरॉइड है, और टोरॉइड में क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो विद इन द कोर होता है, ठीक है, विद इन द कोर, और सही दिया हुआ है बिल्कुल, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो राइट आएगा। क्या है ये इमेज क्या है, राइट है, ठीक है भैया ये इमेज। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सॉरी चौथे पार्ट की बात करते हैं इसके। तो चौथे पार्ट में आपको एक सोलेनोइड दिया हुआ है, और उस सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। कई बच्चे करेंगे इसको सही है, बट ये गलत है, क्यों। अब आप कहोगे कि सोलेनोइड में तो अंदर ही तो फील्ड होता है, बाहर थोड़ा होता है, बट उसमें ऐसा नहीं होता कि हर एक पोर्शन में यूनिफॉर्म हो, ऐसा नहीं होता। उसमें कैसा होता है, उसमें इस तरह से बनाया जाता है कि ये रहा आपके पास सोलेनोइड, ठीक है, और उसमें फील्ड ऐसे होता है, ऐसे मतलब मिड में ज्यादा होता है, ठीक है। बट यहां पर इन्होंने यूनिफॉर्म शो किया हुआ है जो कि गलत है, तो इसलिए इसका आंसर रोंग आएगा। क्या आएगा भैया, रोंग आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये थे अभी तक के इसके चार पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, ठीक है, इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट इमेज को देखिए और बताइए कि ये रोंग है या राइट है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास एक ई इमेज जो दी है उसमें आपके पास एक मैग्नेट दिया हुआ है जिसमें लाइन्स जा रही हैं, सर्कल बना रही है, तो ये एक बार मैग्नेट की तरह है, जो ये ई वाला पार्ट दिया हुआ है ये एक बार मैग्नेट की तरह है, ठीक है,
बारहवीं मिनट में ऐसे तो होता है कि यहां से फील्ड लाइंस निकलती हैं, यहां से निकल के यहां जाती हैं इस तरह से, ठीक है, और यहां अंदर से यहां आती हैं, ठीक है, ऐसे भैया। तो ये जो इमेज दी है आपकी सही है, तो आप इसको राइट लिखोगे, ठीक है, जो इमेज दी है वो आपकी सही है तो उसको आप लिखोगे राइट। नेक्स्ट बात करते हैं एफ इमेज की, ध्यान से देखिए इस इमेज को, फील्ड क्या है, डगमगाता हुआ है, ठीक है, और कुछ एरोस नीचे से देखें तो कुछ एरो नीचे से एंटर कर रहे हैं, फिर मिड में वापसी आ रहे हैं, और लास्ट में जब निकल रहे हैं तो वो आउट हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या कहता है कि कोई भी जब एरिया एनक्लोज करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड एंटर करते हैं उतनी आउट होती है, ठीक है। तो ये चीज जो है आपकी एफ इमेज वो गलत है, वो क्या है भैया, गलत है आपकी एफ इमेज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जी पार्ट पर चलते हैं। इसमें आपको एक पोर्शन दिया हुआ है इस तरह से, मेटल पीसीस का, सॉरी ये मैग्नेट टाइप दे रखा, ठीक है, ये पोल है नॉर्थ और ये है साउथ, और इसमें बोल दिया आपको कि इस तरह से फील्ड है, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट फील्ड है, तो क्या ये ठीक है जी, ये रॉन्ग है, क्या है ये रॉन्ग है, क्यों है, क्योंकि जो फील्ड होगा वो स्ट्रेट थोड़ा होगा, बिल्कुल सीधा थोड़ा होता है, वो कैसे चलता है आपको पता ही है कि भाई वो ऐसे चलता है, ठीक है, और साउथ से इधर आता है, बार मैग्नेट की तरह ड्रॉ करने की बात करें तो इस तरह का होता है, तो ये रॉन्ग है जो इन्होंने इमेज दी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5.6 जो कि अकॉर्डिंग टू न्यू रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5.7 पर चलते हैं, जो कि आज के हमारा सेकंड क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5.7 जो कि सेकंड क्वेश्चन है हमारा आज का, इसमें भी पार्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट में ये क्या पूछ रहा है देखिए, फर्स्ट पार्ट आपको क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर दिख रहा है, तो फर्स्ट पार्ट में ये बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन शोज द डायरेक्शन अलोंग विच ए स्मॉल मैग्नेटाइज्ड नीडल अलाइंस, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो डायरेक्शन शो कर रही हैं, उनके साथ एक स्मॉल मैग्नेटाइज्ड नीडल आपने रखी हुई है। डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑल्सो रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल एट एवरी पॉइंट, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एज ए लाइन ऑफ फोर्स काम करेंगी एक मूविंग चार्ज पार्टिकल पर, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आई थिंक सबको क्लियर होगा, वो नो होगा। कैसे, देखो इन्होंने क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है, ठीक है, इसके साथ एक निडल है जो कि उसको ऐसे ही लाइन करी हुई है, ठीक है, ये इस पर टॉर्क लगाएगा फील्ड, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन अब ये चार्ज पार्टिकल बोल रहा है, चार्ज पार्टिकल ऐसे ही चल रहा है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो, थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री। तो हमें पता है कि फोर्स कितनी होती है किसी चार्ज पार्टिकल पर, तो क्यू वी बी साइन थीटा होती है, एंड साइन जीरो जीरो। तो आप बोल सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो लाइन ऑफ फोर्स की तरह काम नहीं करेंगी, किस पे, चार्ज पार्टिकल पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी एंटायरली कन्फाइंड विद इन द कोर ऑफ ए टोरॉइड बट नॉट विद इन ए स्ट्रेट सोलेनोइड, व्हाई, ये बोलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो कोर में तो वहीं के वहीं रहती हैं, ठीक है, मतलब देखो ये फील्ड लाइन्स बना दी मैंने इसे ऐसे, ये फील्ड, बट सोलेनोइड में थोड़ा ये इस तरह से होती हैं, ठीक है, ऐसा क्या है भैया, ये एक क्लोज लूप है, यहां पे जो फील्ड लाइंस हैं वही की वही यहां पे घूम रही है, बट यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे अगर आप कोई एरिया कंसीडर करते हो तो उसमें जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करते हैं उतने ही आउट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, तो दैट्स व्हाई दैट इज द प्रॉब्लम इन टोरॉइड एंड सोलेनोइड, प्रॉब्लम नहीं कह सकते हैं, फीचर एक तरह का, ठीक है, कि इसमें क्या है, ये क्लोज लूप है तो फील्ड यहीं पे रहता है, इसमें ये क्लोज नहीं होता, तो जितनी फील्ड लाइन एंटर कर रही होती है उतनी लीव करती है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5.7 के तीसरे पार्ट पर चलते हैं, इफ मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्टेड हाउ वुड द गॉस लॉ फॉर द मैग्नेटिज्म बी मॉडिफाइड, ठीक है, ये आपको बताना है, दोबारा पढ़िए इस क्वेश्चन को, ये क्या कह रहा है सी पार्ट में, कि अगर मोनोपोल एग्जिस्ट होते
ठीक है, अगर मोनोपोल एग्जिस्ट होते हाउ वुड द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म कैन बी मॉडिफाइड, ऐसे बताना है। ठीक है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म लिखते हैं पहले, वो क्या होता है, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो होता है, ये गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है चलिए, तो अभी आपसे क्या पूछ रहा है कि अगर गॉस लॉ मोनोपोल अगर एग्जिस्ट होते तो क्या होता। मोनोपोल का मतलब क्या है, देखो ये किसकी तरह है, ई डॉट डीएस की तरह है। ठीक है, तो बी डॉट डीएस क्या होता है यहां पे, म्यू नॉट, साथ में जो भी हम यहां पे लिखते थे, यहां पे लिखते थे ई डॉट डीएस में लिखते थे चार्ज, तो वो चार्ज की हम बात करेंगे, समझो। ये कहता है कि अगर मोनोपोल एग्जिस्ट होते हैं, अगर हो जाते तो हम वहां की पोल स्ट्रेंथ लिख देते, तो एक पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव लिखते और एक की नेगेटिव लिखते, इस तरह से आप लिख सकते थे इसको माइनस एन। ठीक है, क्योंकि मोनोपोल है, मान लो एक पोल बन गया नॉर्थ और एक साउथ, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट ये बोल रहे अगर होते तो वहां का जो भी जितना भी पोल स्ट्रेंथ होती, ठीक है, वो हम यहां पे लिखते हैं, क्योंकि यहां पे लिखते हैं हम ईडो डीएस में चार्ज लिखते हैं, तो यहां पे हम एम लिखेंगे। ठीक है चलिए, तो क्वेश्चन हो गए आपके पास, सी पार्ट हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डी पार्ट की। तो डी पार्ट में पूछ रहा है कि देयर इज ए बार मैग्नेट एग्जर्टेड टॉर्क ऑन इटसेल्फ ड्यू टू इट्स ऑन फील्ड, डज वन एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग विल एग्जर्ट ए फोर्स ऑन अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम वायर, ये तो पढ़ा हुआ अभी। ठीक है, कि जो बार मैग्नेट है वो खुद पे फोर्स नहीं लगा सकता, और जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो फील्ड बनाएगा और ये किसी दूसरी चीज पे फोर्स लगा सकता है। ठीक है, तो आप ये इजीली बता सकते हो। ठीक है, तो आप पहले में तो लिखोगे कि भाई नहीं लगा सकता, और दूसरे में आप बता दोगे कि जो वायर होती है वो लगा सकती है। ठीक है चलिए, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के डी पार्ट तक हमने कर लिया है, नेक्स्ट चलते हैं इसके और पार्ट्स पर, जो कि क्या है उसमें पूछ रहा है ये, मैग्नेटिक फील्ड अराइजेस ड्यू टू चार्जेस इन मोशन, कैन ए सिस्टम हैव मैग्नेटिक मोमेंट इवन थ्रू इट्स नेट चार्ज इज जीरो, इज नेट चार्ज इज जीरो, तो इसका आंसर क्या हो सकता है ये। चलो आपके कौन सा पार्ट है ये पार्ट है ई, तो इसको हम छोड़ रहे हैं आपके ऊपर होमवर्क पर। ठीक है, और इसका आंसर क्या है, यस है, तो आपको इस पर सोचना है कि यस क्यों है, इसको सोचना है कि यस क्यों है, एक पार्ट तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, बहुत इजी है ये, एनसीईआरटी में दो तीन लाइन लिखी उसे पढ़ना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने दो क्वेश्चन कर लिए हैं, सोल्ड एग्जाम्पल कर लिए हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू न्यू रिड्यूस्ड सिलेबस है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं आज के, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि है बुक में 5.8। यहां पर देखिए, हालांकि हमारे सिलेबस से एक्सियल और इक्वेटोरियल कट चुका है इस चैप्टर का, बट हमें वो याद रखना पड़ेगा, वो फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा अच्छे से। तो इसमें बोलता है द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर इज अप्रोक्सीमेटली 0.4 गोस, कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी इक्वेटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.4 गोज है। ठीक है, ये पूछा है एस्टिमेट द अर्थ डाइपोल मोमेंट, एस्टिमेट द अर्थ डाइपोल मोमेंट, ये आपसे अर्थ की डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है, अर्थ की डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है। तो भाई बीई ये क्या है इक्वेटर के लिए, तो इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर किसके लिए, फील्ड को जब इक्वेटर पे चेक करते हैं तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट। ठीक है, और यहां पे हम क्या लिखते हैं, एम, एम इज द मैग्नेटिक मोमेंट, नीचे आता है क्या, 4πr³। ठीक है, 4πr³, म्यू नॉट एम अपॉन 4πr³ आता है। इस तरह का फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था, जिसमें क्या होता था, देखिए उसमें था इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है, उस के की वैल्यू जो भी होते हैं 1/4πε₀ वो लिख लेंगे, वही यहां पे है वो कॉन्स्टेंट। फिर हम पोल स्ट्रेंथ लिखते थे, मतलब चार्जेस की स्ट्रेंथ लिख के, और फिर हम उसकी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लिखते थे, तो वहां पे होती थी पी,
और नीचे होता था आर क्यूब फॉर इक्विटोरियल, तो वहीं से रिलेट है ये भी, वही है मैग्नेटिक मूवमेंट, नीचे वही आर क्यूब, ये कॉन्स्टेंट है जो कि के है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बीई कितना दिया हुआ है 0.4 और आपको निकालना क्या है एम, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, पाई भी इधर चला गया, आर क्यूब भी इधर चला गया और नीचे आ गया क्या म्यू नॉट, और ये हो गया क्या एम। एंड आर क्या है, व्हाट इज आर, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ के बारे में बात करें तो 6.4 × 10⁻⁶ किलोमीटर को यूज करेंगे, तो भाई 0.4 है, 4 है, पाई है, आर क्यूब है और म्यू नॉट की वैल्यू 4π × 10⁻⁷, सबको पुट करिए एम की वैल्यू आ जाएगी, इससे हो जाएगा आपका मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगी, क्या आ जाएगी इससे आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगी, और आंसर जो आएगा वो आएगा भैया 1.05 × 10⁻², ठीक है। तो ये हो गया आपके पास क्या 1.05 × 10⁻²² एम्पियर मीटर स्केल। करना क्या था, इक्वेटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्योंकि उसमें आता है हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट, तो वहां से एम की वैल्यू इन्होंने पूछी थी, इसको यहां पे भेजा, इसको नीचे भेजा, जो चीजें हैं उनको पुट कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज ये वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर चलते हैं आज की इस वीडियो के, और उसमें हमसे क्या पूछा हुआ है देखिए ध्यान से, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन, और आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एंड बुक के हिसाब से है 5.9, बुक के हिसाब से है 5.9, ठीक है। तो ये है 5.9 भैया, ठीक है 5.9। तो ये क्या बोल रहा है ध्यान से सुनिए, इन द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ ए सर्टेन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.26 गीगाहर्ट्ज, सॉरी गीगा नहीं गॉस है भैया, ठीक है। तो मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है, हॉरिजॉन्टल ऑफ अर्थ, तो वो कितना है 0.26 गीगा बोल दिया भैया, गॉस है। एंड डिप इज, डिप एंगल ऑफ डिप इज डेल्टा, कितना है ये 60 डिग्री, क्या है 60 डिग्री। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एट दिस लोकेशन, अब ये बी पूछ रहा आपसे, बी किसका अर्थ का, ठीक है। तो ये आपको फाइंड आउट करना, तो हमें एक रिलेशन पता है कि जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ठीक है, और ये आपका वर्टिकल है, और यहां पे एक रिजल्टेंट है, ये एंगल बनता है यहां पे डेल, तो डेल इज द एंगल ऑफ डिप, तो एच ई कैसे निकाल सकते हैं, कोस डेल बेस, बेस इज एच ई अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। जो हाइपोटेनस है वो कौन है, रिजल्टेंट है बी, तो बी इज इक्वल टू एच ई अपॉन कोस डेल, एंड एच ई इज 0.26, ठीक है, एंड नीचे आ गया कोस डेल इज 60, तो कॉस 60 इज 1/2, तो 1/2 ऊपर चला गया, तो यहां पे आ गया आपके पास 0.52, कितना आ गया 0.52, आंसर मैच कर लेते जी 0.52, तो गॉस में था तो गॉस में लिख देंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ आज की इस वीडियो का, और बुक के हिसाब से 5.9 जो अकॉर्डिंग टू न्यू रिड्यूस्ड सिलेबस हम कर रहे हैं। इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जो कि अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हम कर रहे हैं, और जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। कई बच्चे बार बार कमेंट करते हैं कि सर ये न्यू सिलेबस है, ये न्यू सिलेबस है, जी भैया ये न्यू सिलेबस ही है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर, देखिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि क्वेश्चन को पहले पढ़िए, फिर जो चीजें गिवन है उनको लिख लीजिए, और जो चीज आपको निकालनी है उसके लिए फॉर्मूला सोचिए कि कौन से फॉर्मूले से ये चीज निकल सकती है, इजीली आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए यहां पे दिया हुआ है, सोलेनोइड हैज ए कोर ऑफ ए मटीरियल विद रिलेटिव परमेबिलिटी, मीन्स म्यू आर दिया हुआ है, परमेबिलिटी बोल रहा है नॉट परमिटिविटी, ठीक है। तो ये 400 इन्होंने दिया हुआ जी, इन्होंने दिया हुआ है 400, हाँ। द वाइंडिंग ऑफ द सोलेनोइड आर इंसुलेटेड फ्रॉम द कोर एंड कैरी ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, करंट जा रहा है 2 एम्पियर,
इफ द नंबर ऑफ टर्न इज 100 पर मीटर, मतलब ये स्मॉल एन की बात कर रहे हैं, 100 पर मीटर मींस टर्न्स पर लेंथ है, ठीक है, तो ये स्मॉल एन नंबर डेंसिटी की बात कर रहे हैं लेंथ की, तो ये 1000 दिए हमें, ठीक है। चलिए, तो ये आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है h कि h निकालिए, पहले पार्ट में पूछ रहा है आपसे h, सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं, h h h h की वैल्यू हमें पता है कि h का जो फॉर्मूला था वो था ni, ये फॉर्मूला हमने वन शॉट में कवर किया हुआ, तो h इज ni, n इज 1000, i इज 2 एम्पियर, सो 2 into 10 raised to power 3, h की वैल्यू आ गई, ठीक है, मैच कर लेते हैं 2 into 10 raised to power 3, ठीक है, और एम्पियर पर मीटर इसकी यूनिट है, ये याद रखा करो। नेक्स्ट क्या बोल रहा आपसे, m, नेक्स्ट ये m बोल रहा आपसे, ठीक है, हाँ नेक्स्ट ये आपसे बोल रहा है कि m निकालिए b पार्ट के अंदर, ये आपसे पूछ रहा है m, और जो m है भैया वो होता क्या है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह है, ठीक है, किसकी तरह है, मैग्नेटिक फील्ड की तरह, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू म्यू एच होता है, और म्यू क्या होता है, म्यू नॉट म्यू आर एच, ठीक है, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 माइनस 7 एंड म्यू आर इज गिवन 400 एंड एच हमने निकाल लिया जो कि 2 इंटू 10 रेज टू पावर 3, तो ये बनेगा आपके पास क्या, पहले माइनस 7 है और प्लस का 2 हो गया ये, तो ये खत्म, यहां पे सिर्फ 4 रह गया और ये प्लस का 3 हो गया यहां पे, तो ये खत्म हो गया, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 32 पाई इंटू 10 माइनस, ये 5 है, ये माइनस 7 है, तो माइनस का 2, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आएगा 1 टेस्ला, कितना आएगा 1 टेस्ला, ठीक है, वो जो m है वो एक तरह से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ही पूछा हुआ है, हमने उस दिन वेरिएबल पढ़े थे तो बड़े अच्छे ढंग से पढ़ लिए थे वन शॉट के अंदर, ठीक है, तो हमारे पास हो गया ये भैया b पार्ट, अब चलते हैं c पार्ट पर, इसको नोट कर लो c पार्ट पर, सॉरी इसको निरोध करते हैं, ये तो c पार्ट पर चलते हैं, c पार्ट क्या कहता है, इसको पहले सही लिख लेते हैं, 2 एम्पियर 400, ठीक है, चलिए, तो क्या है सी में पूछ रही है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आपसे पूछ रहा है, तो मैग्नेटाइजेशन का तो सिंपल सा फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है म्यू आर माइनस 1 इंटू एच, म्यू आर इज 400 तो मतलब 399 बन गया क्योंकि माइनस 1 हो गया, ये है 2 इंटू 10 रेज टू पावर 3, 10 रेज टू पावर 3 आई थिंक ये आंसर होना चाहिए आपके पास, 399 इंटू एच, ठीक है, तो ये बन गया आपके पास 798 इंटू 10 रेज टू पावर 3, इन्होंने कैसे लिखा है, इन्होंने लिख दिया 8 इंटू अप्रोक्सीमेट 8 इंटू 10 रेज टू पावर 5 लिख दिया, जो ये 800 यहां पे लिखेंगे उसकी 2 जीरो यहीं पे डाल दिए इन्होंने, ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आपको ऐसे फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट और लास्ट क्या होगा हमारा, ठीक है, उसे करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको हिंट दूंगा, ये आपको खुद करना है, नेक्स्ट और लास्ट मतलब दो छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपको खुद होमवर्क के लिए करना है, ये आपसे पूछ रहा है मैग्नेटाइजिंग करंट, एंड मैग्नेटाइजिंग करंट इज आई एम, मैं आपको फॉर्मूला देता हूं कि बी इज इक्वल टू म्यू आर एन आई प्लस आई एम, और ये एन नॉट है, मतलब जब यहां पे कोर है नहीं लिखा होगा, ठीक है, तो यहां से आई एम इज द मैग्नेटाइजिंग करंट, और यही चीज आपको फाइंड आउट करनी है, तो ये आपका होमवर्क है, इससे पहले मैंने एक और छोटा सा क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, और जो भी आपका आंसर आए वो आपको सेंड करना है मुझे इंस्टाग्राम पर, ठीक है, तो वहां पर जल्दी से मैसेज जरूर करना, उसे पता लगेगा कि आप कितना पढ़ रहे हो, तो ये थे आज के सॉल्व एग्जांपल ऑफ चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है, इससे आगे हम करेंगे इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ठीक है, तो और एक और इन्फो, आज शाम को 7 बजे मैं लाइव आऊंगा, जो भी आपके क्वेश्चन हो क्वेरी हो वो आप पूछ सकते हो, तो 7 बजे मिलते हैं लाइव सेशन के अंदर, चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, बट वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट हर बार करता हूं मैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में टेलीग्राम चैनल है सुनील जंगड़ा सर के नाम से, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना, तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।